गाइस आप देख रहे हैं बी एस रविओज। तो फाइनली टाइगर 3। यस गाइस आप सभी को पता है कि टाइगर 3 मूवी को फैंस ने थिएटर के अंदर बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, उन्होंने सेलिब्रेट किया है। लेकिन अब जितने भी फैंस हैं वो टाइगर 3 मूवी का वेट कर रहे हैं कि टाइगर 3 मूवी ओटीटी पर कब आएगी। तो दोस्तों फाइनली टाइगर 3 मूवी की ओटीटी की जो रिलीज डेट है वो कन्फर्म हो चुकी है। और उसके साथ साथ भाई साहब इस मूवी ने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में क्या नंबर हासिल किए, क्या ये मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है, सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे अपडेटेड वीडियोस को देख सके। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइगर 3 मूवी को लेकर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज्यादा थी, यानी कि ये जो मूवी है बॉक्स ऑफिस के जितने भी रिकॉर्ड हैं उन्हें आरपी कर देगी, क्योंकि भाई साहब एक एक्शन मूवी है। और उसके साथ साथ सलमान सर का स्टारडम है, शाहरुख खान का कैमियो है, उसके साथ साथ ऋतिक रोशन का कैमियो है। तो भाई साहब इन सब चीजों को मिलाकर हम सब यही सोचे थे कि बॉक्स ऑफिस के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो आरपी हो जाएंगे। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई तो भाई साहब मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, और पर्सनली मैंने खुद 3 से 4 मरतबा ये मूवी देखी, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन भाई साहब इस मूवी का कलेक्शन इसलिए कम आया क्योंकि इस मूवी को गलत समय के ऊपर रिलीज किया गया, या यानी कि खास दिवाली पर रिलीज किया गया। और उसके साथ साथ आप सभी को पता है कि वर्ल्ड कप भी चल रहा था, जिसकी वजह से पब्लिक का जो ध्यान था वो वर्ल्ड कप के ऊपर भी था और दिवाली के ऊपर भी था, जिसकी वजह से इस मूवी का जो फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो भी कम आया था, और सेकंड डे का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम आया था, जिसकी वजह से इस मूवी की जो हाइप थी वो थोड़ी सी नीचे गिर गई थी। यानी कि अगर ये मूवी फर्स्ट डे पर वो बड़ा कलेक्शन करती तो भाई साहब अगर इस मूवी की स्टोरी इतनी अच्छी ना भी होती तो ये मूवी आप कह सकते थे कि 500 करोड़ क्लब में एंट्री मार लेती। लेकिन भाई साहब वर्ल्ड कप की वजह से और दिवाली की वजह से इस मूवी की जो फर्स्ट डे की ओपनिंग थी वो थोड़ी सी कम थी, जिसकी वजह से इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर इफेक्ट देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कुछ बड़े नंबर हासिल किए। यस गाइस, यानी कि मैं अगर आप सभी को बताऊं ना तो इस मूवी ने इंडिया से 282.79 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, और उसके साथ साथ इस मूवी का जो इंडियन ग्रॉस कलेक्शन है वो 339.50 करोड़ है, और इस मूवी ने ओवरसीज से भी 124.50 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, जिसके बाद इस मूवी का टोटल जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो 464 करोड़। यस गाइस, यानी कि 464 करोड़ का इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, जो कि काफी अच्छा और बड़ा नंबर है। और भाई साहब इस मूवी का जो बजट है वो भी लगभग 250 से 300 करोड़ बताया जा रहा है, यानी कि ये जो मूवी है बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई है, ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई। जो लोग कह रहे हैं कि ये मूवी फ्लॉप होगी तो भाई साहब बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं अगर बात करें इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट को लेकर तो आप सभी को बता दूं कि भाई साहब इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट को लेकर 2 डेट सामने निकल कर आ रही है। यस गाइस, यानी कि आप सभी को पता है कि 27 दिसंबर को सलमान सर की बर्थडे, और पहले तो यही कहा जा रहा है कि सलमान सर की बर्थडे पर टाइगर 3 मूवी हमें ओटीटी पर देखने को मिल सकती है। और उसके साथ साथ जो सेकंड रिलीज डेट सामने निकल कर आ रही है वो 31 दिसंबर है। यस गाइस, यानी कि 31 दिसंबर को ये जो मूवी है शायद हमें ओटीटी पर अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये 2 रिलीज डेट निकल कर सामने आ रही थी जो कि मैंने आप सभी को बता दी। और पर्सनली मैं बताऊँ ना तो पहले जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी तो पहले यही कहा जा रहा था कि ये जो मूवी है ओटीटी पर हमें जनवरी के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन भाई साहब ये मूवी बहुत जल्दी थिएटर से हट की गई है। लेकिन भाई साहब ये जो मूवी है बहुत जल्दी थिएटर से हटी है, यानी कि इस मूवी को उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिला जिस तरीके का ये मूवी डिजर्व करती थी, जिसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि ये जो मूवी है शायद हमें इसी मंथ में यानी कि 27 दिसंबर को या फिर 31 दिसंबर को देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस मूवी को ओटीटी पर देखने के लिए, हमें जरूरत है लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो को देख सकें।